जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं डायरेक्ट शाम के 7:30। और चलिए पहले सबसे पहले मिलते हैं भगवान जी से। आज हो गया है गणपति जी का 8वां दिन। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, मम्मी से ही क्लियर करते हैं। आठवां दिन, आठवां है ना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय लक्ष्मी नारायण, जय गणपति बापा। तो रोज के जैसे हम हो गए रेडी नीचे जाने के लिए, और अभी कर रहे हैं हमारे साहेब की और हार्दिक की वेट। वो दोनों आज नहीं आए, लेट हो गए शायद। और मम्मी, हाँ बोलो। आपको ही पता है, जैसे मुझे तो नहीं पता क्या है आज नीचे। आज नहीं, मुझे पता है। मुझे पता है, आज कोलाटम है। हम एक्चुअली कल सोच रहे थे, कल है ऐसा, पर शायद बोला था आपने, ऐसा नहीं है। हाँ, हमको लगा था कल था, आज है। आज है कोलाटम, कल फैशन शो था। कल तो जैसे आवाज शायद आ रही होगी, महाराज जी आ गए हैं, नीचे पूजा भी चालू हो चुकी है। और हम लोग सोच रहे हैं अभी जाए कि फिर वेट करें। जाएंगे 10-15 मिनट जाएंगे अभी टाइम है। बैठे रहते कुर्सी। ये ऐसा है कि हम लोग का डिनर नीचे रहता है, तो ऐसे पूरा दोपहर के बाद का पूरा टाइम हम लोग को मस्त मिलता है। मिलता है ना? मिलता है, तेरे को नहीं मिलता। मैं वो भी वेस्ट कर देती हूँ। नवरात्रि में वैसे ही रहेगा, पर नवरात्रि में तो जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। वो एक बहुत मुश्किल है वो भी, पर हम लोग हैबिटेड है, मतलब बहुत साल से ऐसे कर रहे, तो ये भी हो जाएगा। तो अभी आरती ये बोल के अपना हैदराबाद में क्लाइमेट अच्छा है, गुजरात में पर मेरे को हैदराबाद में यही चीज नहीं अच्छी लगती मम्मी। हाँ, रेडी होके जाओ और उधर खेलने का टाइम बहुत कम रहता है, लिमिटेड। वो तो कह अहमदाबाद जैसे तो 12 बजे तक, 12 नहीं बजते अहमदाबाद में, 1:30-2:30 ऐसे बज जाते हैं। और लास्ट डे तो हम लोग सुबह 6 बजे तक ऐसे गरबे ही खेलते रहते। वो अब नहीं होगा, अभी भी है हमारे अपार्टमेंट में तो रहता था, बाकी का पता नहीं। वो खेलते 12 बजे चालू करता, स्टार्ट ही लेट होता था इसलिए। देखिए हम नीचे खाना है, फिर भी थोड़ा बहुत पेट पूजा करके लाते इधर से। और एक और बात, आज शायद नीचे कोलाटम भी है और नीचे ऑर्केस्ट्रा वाले है आए हैं, पता नहीं भजन है कि क्या है, और नीचे जाके पता चलेगा। वो मतलब वो आएंगे ना, वो बजाने वाले लोग आएंगे, और वो भजन शायद मेरे को तो मालूम है तब तक भजन ही है, फिर मालूम नहीं। हम लोग के तो 9 दिन कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो बहुत अच्छा, 2 दिन जल्दी उठेंगे, विसर्जन है ना, कल विसर्जन है, कल लास्ट डे है, फिर नीचे जाते हैं तो बहुत सुना लगता है। 2 दिन तो बहुत बिल्कुल नहीं जमता। अभी मिसुड़ी भी नहीं है, मिसुड़ी रहती तो इतना अच्छा रहता उसको, पूरा बापा बापा बोल के भागती रहती। बैठे रहते चुपचाप। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट नीचे। श्री वरसिद्धि विनायक देवता, ओम श्री वरसिद्धि विनायक देवता यो नमः, ओम पूर्णं पादयोपात्यं समर्पयामि। श्री वरसिद्धि विनायक देवता यो नमः, ओम भुवः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। श्री वरसिद्धि विनायक देवता यो नमः, ओम शुभः मुखे शुद्ध आचमनम् आचमनीयं समर्पयामि। स्नपयामि स्नानम् गणेश महाराज की। अरे
विनायक चवती नवरात्रि पुरस्कुनी रोज चक्कर विघ्नेश्वर स्वामी वारी पूजा कार्यक्रम तो मरकुद
అదే విధంగా ఈ యొక్క వినాయక చవితి నవరాత్రులు కూడా పురస్కరించుకొని ఈ రోజు 8వ రోజు చక్కగా ఈ విఘ్నేశ్వర స్వామి వారికి పూజా కార్యక్రమాలతో పాటు Gala 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 g
चाप